सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आप लोगों को देने के लिए काफी अच्छी खबर है, खासकर ट्रेवलिंग को लेके। कुछ दिनों पहले इंडिया की फर्स्ट लग्जरी क्रूज लॉन्च हुई, जिसका नाम है कर्णिका क्रूज। मैं पर्सनली काफी खुश हूँ इस क्रूज को लेके, क्योंकि उसका रीजन ये है, जहाँ पे हमें ट्रेवल करने के लिए सिर्फ ट्रेन, बस, हवाई जहाज मिल रहा था, आज की डेट में इंडिया में हमें मिल रही है क्रूज, वो भी लग्जरीज। जहाँ पे पहले लोग विदेश भागते थे क्रूज के सफर करने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, वही सफर आप लोग अब इंडिया में ले सकते हैं। कर्णिका क्रूज का जो फर्स्ट राउट है वो है मुंबई से लेके गोवा के बीच में। हाल फिलहाल यही है, बट इनका प्लान है इसको आगे बढ़ाने का, जैसे मुंबई से चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड अराउंड ट्रिप। और कुछ दिनों पहले ही इसने अपना मेडन वॉयज यानी पहली यात्रा कंप्लीट की मुंबई से लेके गोवा के बीच में। अगर मैं इस क्रूज की खासियत की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रूज कोई 5-स्टार होटल से कम नहीं है। जो इसकी लेंथ है वो है 250 मीटर। इस शिप में 2,700 से ज़्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं। 14 फ्लोर की ये शिप है, इसमें 2 स्विमिंग पूल भी है और उसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा वाटर पार्क है बच्चों के लिए। साथ ही में इस जगह पे है डिस्को, कैसीनो। और जब आप शिप के अंदर घुसेंगे तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा यहाँ का खूबसूरत एरिया, जहाँ पे आपको मिलेगा शॉपिंग सेंटर। तो अगर आपको और शॉपिंग करनी है क्रूज में तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हर टाइप का खाना मिलेगा, इंडियन हो या कॉन्टिनेंटल हो, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे खूबसूरत बात इस क्रूज शिप की यह है कि आपको यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर दोनों देखने के लिए मिलेगा। ये लोग चाहते हैं कि आपको क्रूज में ऐसा फील हो जैसे कि आपके घर में हो, बट आपको हर एक फैसिलिटी मिले, जो कि ऑफ कोर्स घर पे नहीं मिलती है, पर किसी 5-स्टार या किसी 7-स्टार होटल में मिलती है। अकोमोडेशन के बारे में मैं क्या ही बात करूं, अब आप लोग फोटोज से देख ही सकते हैं, आपको यहाँ पे बंक बेड भी दिख जाएंगे। अगर आपको बड़ा सूट चाहिए तो आपको वो भी दिख जाएगा। अगर मैं फेयर की बात करूँ तो अगर आप जाएंगे mydreamholiday.com पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो उनकी वेबसाइट पे आपको इसका प्राइस 13,826 से स्टार्टिंग है अगर आप सिंगल ट्रिप लेते हैं। अगर आप राउंड ट्रिप लेंगे तो जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 20,740 इंडियन रुपीज पर पर्सन। सो इनका प्लान स्टार्ट होता है 14,000 इंडियन रुपीज से, जो मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्राइस है किसी भी नई शिप को चालू करने के लिए। अगर आपको कस्टमर चाहिए तो 14,000 रुपीज एक काफी बेसिक प्राइस है, मुझे लगता है काफी सारे इंडियंस पे कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स इंडिया की फर्स्ट क्रूज शिप के बारे में, जिसका नाम है कर्णिका। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपको बुकिंग करने में इंटरेस्ट है तो यू कैन बुक योर टिकट्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।